रहमत रजा की करे तो बुराई, वो अहमत रजा की करे तो हवेली मुजाहिद किले जाके उसकी, हाँ हवेली मुजाहिद किले जाके उसकी, वहीं पर ही चमड़ी उतारा करेंगे। जनाब अबू माविया देवबंदी, अफसोस है, हया से किसी का इनकार नहीं है, आप भी माने हो मैं भी माना हूँ, ठीक। अब रही बात जिसको गुस्ताखी तो किए हो कि जन्नत छोड़ करके बाहर निकल करके जाना आना जा सकते हैं आ सकते हैं, इसके गुस्ताखी तस्लीम किए हो तो कब्र से जो चले जाते हैं वो वापस नहीं आते हैं दुनिया में, और वो आयत जो कुफारु मुशिकीन की आयत पेश किए हो उसका जवाब दूंगा। लेकिन इससे कबल आपको मैं पूछा था, जिसको गुस्ताखी कह रहे हो वो अरवाह सलासा में आपके कुतुब मुजद्दी साहब जो लिखे हैं गुस्ताखी किए हैं, क्या ये सही है जो आपने अकाबिरीन के लिए मानते हो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्यों नहीं मानते हो, क्या वजह है? अफसोस। और हदीस में तो मौजूद है, बुखारी से लेकर मुस्लिम तक तमाम अंबिया किराम कब्र से छोड़ करके गए थे नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाए इमामत किए, इस हदीस का इनकार करते हो? क्या यही फिरका है बददीन और गुमराह, अकीदा बातिला, हजारों बीमारी मौजूद है। जनाब वो आयत फिट नहीं कर सकते तो हदीस का इनकार करना पड़ेगा आपको, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। वो भी आयत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चिस्पा होते हैं जनाब, हदीस की रोशनी और हवाला जात मैंने दिया चार हदीस की किताबों का, आप कहिए कि यह हदीस गलत है, इनकार कर दीजिए, जैसे इस्माइल देहलवी का इनकार किए इसी तरह से इनकार कर दें जनाब। देखिए जनाब, उल्टा चोर कोतवार को डांटे, अफसोस, आप जिसको कुफ्र का फतवा आयद किए हैं, आपका अरवाहे सलासा का मैं हवाला दिया लेकिन आप जवाब नहीं दिए, है ना? याद रखें अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम बाद विसाल भी जिंदा होते हैं और जहां चाहे आ जा सकते हैं, जैसा कि मेराज के वाकया तमाम अंबिया इकराम बैतुल मुकद्दस में हाजिर हुए, इसको मानते हैं या नहीं मानते हैं? और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज अदा फरमाया, फिर उनमें से कुछ से अलग अलग आसमानों पर हुजूर की मुलाकात भी हुई और उन्होंने हुजूर को मुबारकबाद भी पेश फरमाया, खास तौर से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपको मुबारकबादी देने के साथ साथ नमाजों में कमी कराने के बार बार मशवरा भी दिया। ये हदीस आपको मिलेगी, सुन लीजिए कान खोल करके, तुम्हारे अकीदे बातिले पर मातम करो और तौबा करके मुसलमान बनो, ये हदीस सही उल मुस्लिम की किताबुल ईमान हदीस नंबर 411 में मौजूद है। अफसोस है तुम पर ना हदीस पढ़ रहे हो अपने अकीदे बातिला को जाहिर करने से, जिसको गुस्ताखी कहे हो तो वही कब्र से उठ करके कासिम नानतवी और आ रहे हैं देवबंद में लड़ाई झगड़ा सुलझाने के लिए, तो फतवा लगाओ ना, फतवा आशरफ अली थानवी पर काफी रहेगा करके। देखिए अबू माविया देवबंदी, ये आयत आपने पढ़ी है, वम्यु बरा इहिम बरज़खुन इला योमी युबअसून वाले, पारा नंबर 18 है, आयत नंबर 100 है ना, सूरे मोमिन सूरा नंबर 23, यानी बरज़ख में आड़ है उठाए जाने के दिन तक, ये पढ़े हैं आप, इसकी तफसीर गलत अपने मनमानी किया कि इस आयत से मालूम हुआ मरने वाला शख्स चाहते हो भी इस दुनिया में नहीं आ सकते, क्योंकि अल्लाह ताला उसकी इजाजत किसी को देता भी ही नहीं, इसलिए जो लोग कहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं भी आ जा सकते हैं बिल्कुल गलत कहते हैं, ये तफसीर और मतलब और किसी किताब में नहीं है, जो आप बयान किए हो ना किसी किताब में मौजूद नहीं है, आप अपने अकल से गढ़े हो, लेकिन तफसीर सही सुनो मुझसे अगली बाइस में, माविया देवबंदी इसकी तफसीर सुन करके जाओ। अल्लामा इब्ने कसीर इस आयत की तफसीर करते हुए लिखते हैं कि इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों और उनके अहकाम की ज्यादती करने वाले लोगों की मौत के बाद जो हालत होती है उसकी खबर दिया है कि वो लोग जब आजाब अपनी आंखों से देखते हैं तो अल्लाह ताला से वापस दुनिया में जाने की इजाजत तलब करते हैं और कहते हैं, ऐ रब मुझे वापस जाने दे कि मैं वो नेक काम करूं जो मैं छोड़ रखा, यानी मैं इस बात की गवाही दूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं, तो इनसे कहा जाता है कि हरगिज नहीं, यौमा युबअसून, यानी
आड़ तुम्हारे लिए है दुनिया और आड़ ये काफिरों के लिए है जनाब। इस तस्वीर से आपने खारजी वाला अकीदा आपके अंदर जमाया हुआ है, वरना हातु बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चे हो तो लाओ दलील। ये तस्वीर जो रसूलुल्लाह पर फिट किए हो, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, शर्म आनी चाहिए तुझे। और अल्लामा इब्ने कसीर तो कुछ और कह रहे हैं और तफासीर दिगर कुछ और कह रही है, वो काफिरों के लिए है। और हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला का फतवा है, बदतरीन मखलूक वो लोग हैं जो काफिरों की अबाली आयत मोमिनों पर चिश्मा करेंगे। तो बताइए आप बदतरीन मखलूक हुए या नहीं, आप बताइए, इकरार कीजिए बुखारी शरीफ की रोशनी पर आप बदतरीन मखलूक हुए। तो बात को समझता नहीं और खामा का हमारा टाइम जाया किया है, तू जैसे नालायक को यहाँ पर जगह नहीं है, तू हरामी है सबूत भी मैंने दे दिया। देखिए अबू माविया देवबंदी, आपने वो कुफार वाली आयत जो मैंने तफसीर बता दिया है, इस तफसीर से मालूम हुआ कि मरने के बाद काफिरों की रूह को कैसे कैद कर दिया जाता है और उसकी हालत क्या होती है। रही बात नेक मुसलमान की, तो उनकी क्या हालत होती है उसे खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तफसील से बयान फरमाए। हजरत अब्दुल्ला, सुनिए हदीस सुनिए, हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक दुनिया काफिरों की जन्नत है और मुसलमानों का कैद खाना, और बेशक जब मुसलमान की जान निकलती है तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई कैद खाना में था और अब उससे निकाल दिया गया, तो अब वो जमीन में आजादी के साथ घूमता फिरता है। और अभी शेबा की रिवायत में ये लफ्ज आया है कि जब मुसलमान मरता है तो उनके रास्तों को खोल दिया जाता है, वो जहां चाहे सैर करे। ये तो आम मुसलमानों के बारे में हदीस है, किताब ज़ुहद इब्न मुबारक सफा नंबर 211 हदीस नंबर 597 में मौजूद है, मुसन्नफ इब्ने अबी शेबा किताब ज़ुहद जिल्द नंबर 13 सफा नंबर 355 में हदीस नंबर 35847 में मौजूद है। तो आपके ये दलील धजियां बिखर गई और आप किस कैटेगरी में शामिल हुए, फतवा सहाबी रसूल हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुताबिक आप बदतरीन मखलूक हुए, काफिरों वाली आयत अंबिया पर चस्पा करते हो, शर्म आनी चाहिए। तोबा करो जनाब, तोबा करो और मुसलमान बनो। अबू माविया देवबंदी, जितने भी तुम पेश किए हो ना, अपनी अकल से तुम पेश किए हो, वो आयत जो पेश किए हो जिसको मैं बताया, सूरे मोमिन की आयत आयत नंबर 100 को पेश किए ना, अफसोस है, इस आयत से कुफार मुशकिन के लिए कैद खाना और आड़ की बात किया है जो मोमिनों और अंबिया पर चिस्पा कर दिए। हजरत सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब देखा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जिसने मुझे देखा हकीकत में मुझे ही देखा और कभी बेदारी में भी देखा है। बुखारी का हदीस मैंने हवाला पेश कर दिया है ऊपर, लेकिन आप हदीस के इनकार करते हो ना, और आपके फतवे के मुताबिक अशरफ अली थानवी तो ऐसे ही काफिर चला गया, काफिर हो गया, और नानकवी जी, महमूदुल हसन जितने भी जावन में चले गए, लेकिन आप हदीसों के तरफ ना आ करके अपनी अक्ल के कियास दौड़ा करके गुमराह और मुशरिक हो रहे हो जनाब। तो मैं आपको मशवरा दूंगा, आप तौबा करें और सच्चे मुसलमान बने, है ना। उ अनफसिकुम व अहलिकुम नारा, बचाओ अपने आप को और अपने अहले अयाल को जहन्नम की आग से, समझे जनाब। आप की रगड़े की बात कर रहे हो जनाब, मैं वो शख्स हूँ जो देवबंद और रायबंद वाले थर्राते हैं। जब दलाइल की दुनिया हदीस की बारी आती है तो जखायर लगना शुरू हो जाते हैं, लेकिन तुम अपने कयास और अक्ल से ही फैसला सुना रहे थे और कभी इधर कभी उधर भाग रहे थे। अफसोस है सही अकीदे पर, जिस अकीदे को तूने गुस्ताखी कहा, वही गुस्ताखी मैंने बताया अशरफ अली थानवी के तहरीरात से, अशरफ अली थानवी पर कुफ्र का फतवा आयद करने के बजाय मुंह में ताले लग गए। ये कर्ज तुम्हारे ऊपर, मरने से पहले बोल देता, इकरार कर देता, जिस तरह से इस्माइल दहलवी के इनकार किया उसी तरह से रशीद गंगोही का भी इनकार करता। तुम पर लाजिम था, जरूरी था, लेकिन तुमने कुछ नहीं बोला। थानवी पर कुफ्र का फतवा लाजिमी था,
जैसा कि तुमने गुस्ताखी का महमूद उल हसन पर तुम्हारे फतवा लाजिम था कि उसे गुस्ताखी कहता, लेकिन अपने उस इबारत की तरफ नहीं भटके, मौजू से तो भटकाने की बड़ी कोशिश किए, है ना। शैतानी चाल ना चले जनाब, मैं वन एक मौजू में बात करने की आदी हूँ, मैं पहले ही बयान कर दिया था, लेकिन अफसोस आप इसे खासिर व खासिर और जलील व रुस्वा होकर यहाँ से भाग निकले। जाइए कोई बात नहीं। अबू माविया देवबंदी, आप ऐसा कीजिए, आपके उस्ताद कोई हैं हो ना, उसको लाइए जनाब, जो अक्ल से यतीम ना हो, जैसे कि आप मौजू से इधर उधर कभी बंदरों के जैसा चुछल कूच कर रहे थे ना, वैसा ना करे, एक मौजू में ढंग से बात करे, ताकि उसके कुफ्रिया अकायद को मैं जाहिर करूं और उसे संवारूं और कोशिश करूं कि अकीदे बातिला जो अल्लाह को झूठा और अल्लाह को मक्कार बताने वाले कौम, वो नामुसे रिसालत की बात करता है, खत्म नबुवत के माना बदलने वाले कौम, वो नामुसे रिसालत की बात करता है ना। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महदूद कर दिया कि वो कब्र अनवर से बाहर आना गुस्ताखी, वही गुस्ताखी मैं अरवाहे सलासा से बताया तो इसकी खटिया खड़ी और बिस्तर गोल, उसके बारे में गुस्ताखी का फतवा नहीं, क्यों? तो ये अकाबीर परस्त है ना। आशफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोई, नानोतवी जी, इनके भगवान है देवबंदियों के, इसलिए उनको पूजा करो, जाओ जहन्नम में तुम लोग। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम मुसलमानों को इन देवबंदियत के मकारिये से बचाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान और हदीस के सही मानों में अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए, अहले सुन्नत व जमात हक जमात मसलक आला हजरत पे साबित कदम अता फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शैतान भाग गया, शैतान भाग गया, औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शैतान भाग गया, भाग गया। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। वालेकुम अस्सलाम हजरत, आज हमने देखा कौन क्या कर रहा था और कौन क्या कर रहा था, दलालत नस और हदीस के बिना पर ये बदबख्त कैसे दुम उठा के भाग गया इस ग्रुप से, जलील है, जलील खार हो जाएगा इंशाल्लाह, यहाँ भी रास्ते में भी और वहां भी, ये इंशाल्लाह जलील खार हो जाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अख्तर निजामी साहब माशाल्लाह मुबारक हो, एक खबीस कमबख्त अनपढ़ है, पहले तो इनसे एक आयत पढ़ानी थी, तो उसको बताना था कि आप कुरान की एक आयत तजवीद के साथ पढ़ी, और उर्दू लिखना भी नहीं आता है उसको, एक कमबख्त पूरा अनपढ़ जाहिल है, और इनके साथ सर्फ और नहव में बात करें, यानी अरबिक में इसको बताओ कि अरबिक में आ जा, बात करते हैं अरबिक में कितना दाम है तुझ में, ये कम वक्त इतना काम अकल और कम जहीन और अनपढ़ है, इतना अनपढ़ इसलिए मुनाजरा ग्रुप में करता है क्योंकि मुझे भी कोई पता है कि मैं मुफ्ती हूँ।